कई बार खुद से फंड लेवल पर एलोकेशन मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आप डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड के जरिए इक्विटी और डेट फंड में परफेक्ट बैलेंस बिठा सकते हैं। तो आज चर्चा करेंगे इसी कैटेगरी की, बताएंगे बाजार में आए हैं कौन से नया डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड। इसकी खूबियों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं जिमीत मोदी, फाउंडर एंड सीईओ सैमको ग्रुप। जिमीत, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका मनी गुरु के हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। इस चर्चा में आप हमारे साथ शामिल हुए। हम ऐसे समय पर जमीत बात कर रहे हैं जब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अपना बहुत बेहतरीन दौर देख रही है। SIP के आंकड़े हमने देखे, 17,000 करोड़ के पार गए। AUM में बेतहाशा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 10 साल में अगर देखें तो 6 गुना बढ़ोतरी AUM में दर्ज की गई है। रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। क्या लग रहा है जमीत आपको, क्या वो एक चीज है जो काम कर रही है अभी इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए? तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति जी मुझे शो पर बुलाने के लिए। एंड जैसे आपने कहा कि आज इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री तकरीबन 50 लाख करोड़ की कैटेगरी बन गई है, और फिक्स डिपॉजिट्स के कंपैरिजन में ये अभी सिर्फ केवल 25% ही है। फिर भी सो फिक्स डिपॉजिट्स टोटली इंडिया में 200 लाख करोड़ है, म्यूचुअल फंड 50 लाख करोड़ है। बट अगर आज आपसे 10 साल पहले देखोगे तो ये नंबर तकरीबन 8-10 लाख करोड़ था। तो आज की तारीख में लोगों की अवेयरनेस बढ़ गई है, लोगों को समझ में आ रहा है कि अगर आप FD या फिक्स्ड इनकम जैसे प्रोडक्ट्स में पैसा डालोगे तो 6-7% का रिटर्न मिलता है, उसके बाद भी टैक्स वगैरह कटने के बाद हाथ में तो हार्डली 4-4.5% आता है। एंड आज की एस्पिरेशनल यूथ के लिए उनको चाहिए कि उनका पैसा उनके लिए बेहतर काम करे, और वो अवेयरनेस के कारण ये जो SIP का पूरा हम एक कैंपेन देख रहे हैं और SIP में ग्रोथ देख रहे हैं वो उसी एस्पिरेशन को मीट करने के लिए देख रहे हैं। और लोगों ने देखा है कि पिछले 3-5 साल आप उस टाइप की SIP की रोलिंग रिटर्न्स देखोगे तो लोगों ने 15% रिटर्न, 18% रिटर्न, 20% रिटर्न, इवन सब्सटेंशियली बेटर देन FD रिटर्न देखे है। और लोग समझते हैं कि अगर हम लंबे समय के लिए SIP करते हैं, 8-10 साल के लिए एक 8-10 साल का व्यू लेते हैं, तो इसमें बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा अच्छा पैसा बन सकता है, काफी टैक्स एफिशिएंट तरीके से पैसा बन सकता है, और ये एसेट लिक्विड भी है। तो आई थिंक ये सारी चीजें लोगों को समझ में आ रही है, आप जैसे आपके चैनल्स के द्वारा जो अवेयरनेस आप क्रिएट कर रहे हो आई थिंक लोगों तक और पहुंच रही है, और उसके कारण हमको एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल रही है पूरे कैटेगरी में। बिल्कुल, इनफैक्ट जिमीत अगर हम कैटेगरी वाइज ही बात करें, क्योंकि मैंने जैसे शुरुआत में शो की बोला कि कई बार निवेशकों के लिए अपने फंड को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, वो यूं कि अभी तो हम बाजार को एट हाई देख रहे हैं, कभी बाजार में गिरावट का दौर भी आता है और फंड लेवल पर कई बार काफ़ी दिक्कत हो जाती है, इसलिए ऐसे में हम ज़्यादातर हाइब्रिड कैटेगरी की तरफ देखते हैं। अगर हाइब्रिड कैटेगरी में भी अगर हालिया निवेश की बात हम करें तो सिर्फ हाइब्रिड कैटेगरी में ही कुल 13,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश आया है, मतलब हाइब्रिड कैटेगरी को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो इस पूरे कैटेगरी में क्या खास है, और उसमें भी अगर डायनेमिकली किसी को अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना है तो कहाँ पर रहनी चाहिए नज़र? So, जैसे आपने कहा एग्जैक्टली सही है, क्योंकि आज के तारीख में अगर इन्वेस्टर देखे तो काफी जो प्योर इक्विटी कैटेगरीज है, जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एक्सेट्रा, वो एक तरीके से बाय एंड होल्ड कैटेगरीज है। बट कई सारे इन्वेस्टर क्या है जो FD को के बदले में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, या थोड़ा बहुत जहाँ शुरुआत कर रहे हैं उनके म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग की जर्नी का, उन लोगों के लिए वो डायरेक्ट इक्विटी की या इक्विटी फंड्स की वॉलिटिलिटी झेल नहीं सकते, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इक्विटी फंड्स खराब टाइम में 20-30-40% खराब भी गिरते हैं। इनफैक्ट हर 6-7 साल में हमने देखा है कि मार्केट में 30-40% का करेक्शन आता है, हर डेकेड में एक आध बार 40-50% का करेक्शन आता है, तो लोग ये झेल नहीं पाते। और इसके लिए एक हाइब्रिड कैटेगरी एक परफेक्ट सोल्यूशन है, बिकॉज हाइब्रिड जैसे नाम कहता है वो एक कॉम्बिनेशन है और डेट और इक्विटी का। इसमें क्या है, इन्वेस्टर को खुद को दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि जब मार्केट्स ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है तो एसेट एलोकेशन कैसे मैनेज करे, ताकि अल्टीमेटली
रिटर्न तो बने ही, बट साथ साथ में डाउनसाइड प्रोटेक्शन या साथ साथ में वॉलेटिलिटी कर्व हो जाए, तो ये कैटेगरी जो है हाइब्रिड कैटेगरी, जिसमें खास करके बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स है, डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स है, ये जो फंड्स है ये ऑटोमेटिकली डेट और इक्विटी का एलोकेशन करते हैं, जहाँ यहाँ पे फंड मैनेजर ही ये कॉल लेता है बेसिस मार्केट कंडीशंस की, कितना पैसा डेट में होना चाहिए, कितना पैसा इक्विटी में होना चाहिए, और ये इन्वेस्टर को खुद एसेंशियली वो मेहनत नहीं करनी पड़ती, और अल्टीमेटली आप एक एलोकेट करो और लॉन्ग टर्म या तो SIP लमसम जो एलोकेटेड मनी है उसका आप फ्रूट बेयर करते रहो विद सब्सटेंशियली लोअर वॉलिटिलिटी। तो इनफैक्ट आप टोटल देखोगे तो ये 13-14 लाख करोड़ की कैटेगरी बन गई है जो हाइब्रिड कैटेगरी है। इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कैटेगरीज फॉर कस्टम फॉर इन्वेस्टर्स जो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, जो इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स का है उनके लिए ये एक क्लासिकली क्लासिक कैटेगरी बन गई और मोस्ट मोस्ट प्रिफर्ड कैटेगरी बन गई। इसलिए जिमीत मौके की नज़ाकत को समझते हुए, अपॉर्चुनिटी को समझते हुए आप एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड लेकर आए हैं निवेशकों के लिए, क्या खास है? जी हाँ, तो हम सैमको के द्वारा भी आज एक सैमको डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड प्रेजेंट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को। तो और ये इसमें खास बात ये है कि ये शायद इंडिया का पहला मोमेंटम फॉलोइंग डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड है जो 0% इक्विटी से 100% इक्विटी में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, और एट द सेम टाइम 100% इक्विटी से 0% इक्विटी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि देखो आज तेजी की बाजार चल रही है, आज अपने को सब अच्छा लग रहा है, अपनी सारी इंडेक्सेस मिड कैप स्मॉल कैप लार्ज कैप ऑल टाइम हाईस बना रही है, तो आज सब अच्छा लग रहा है, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जब मार्केट्स रिवर्स होंगी और अपने को डीप करेक्शंस देखने मिलेंगे, अगर इन्वेस्टर्स बहुत एजाइल नहीं है और वो अपने पोर्टफोलियो को चेंज नहीं करते, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि जितना भी है वो कमाए हैं वो सारा का सारा पैसा वापस मार्केट को दे सकते हैं। तो इस केस में क्या है, ये जो हमारा साइमको का डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड है वो ये कोशिश करता है कि आप अगर मार्केट करवट बदलती है, ये बुल मार्केट से करेक्शन शुरू होता है या बे मार्केट शुरू हो जाता है, तो ये इंटायरली इक्विटी एलोकेशन से डेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, सो दैट जब बाजार गिरे तब आपका ड्रॉडाउन टू सम एक्सटेंट प्रोटेक्टेड रहे और आपकी पूरी वैल्यू कैपिटल पे रिस्क पे ना आए। सो वो ध्यान में रखते हुए ये एक यूनिक प्रोडक्ट है जो इंटायरली डेट टू इक्विटी ट्रांसफॉर्म हो सकता है, एंड इसका यू नो वी विल एंडेवर कि ये इक्विटी टैक्सेशन प्रोडक्ट रहे यूजिंग आर्बिट्राज स्ट्रेटजीज। सो जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है उनको ना ही डायनामिक एसेट एलोकेशन मिलेगा, बट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव लॉन्ग टर्म इक्विटी टैक्सेशन का भी फायदा मिलेगा। बिल्कुल, तो बाजार में अगर आपको डायनेमिकली बने रहना है तो एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड के जरिए आप अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेट के एलोकेशन को खूबसूरती से मैनेज कर सकते हैं, और इसकी खूबियां बताई जिमीत मोदी ने। जिमीत, बहुत धन्यवाद हम करेंगे आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू स्वाति जी।